बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमना कॉस्मेटिक में मैं आपके साथ मौजूद हूँ। आज आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे मायोनीज़ मौजूद है। बग़ैर किसी बात के हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि मायोनीज़ के साथ ये एक ऑयल है जो कि हम ख़ुद हर्बल ऑयल बनाते हैं। इसके अंदर विटामिन ई और बहुत कुछ शामिल होता है कि हमें कुछ और अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती। साथ में हम इसके रखते हैं एक अदद कंडीशनर। मैंने वीडियो बड़ी जल्दी जल्दी बनाई है तो मुझे बोलना भी बहुत जल्दी जल्दी पड़ रहा है। ठीक है, एक बाउल लिया, उस एक बाउल के अंदर हमने जितना हमें एक बालों के हिसाब से मायोनीज़ था वो निकाल लिया। इस तेल के अंदर दुनिया जहान के इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं तो लिहाजा मुझे ना कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसी तेल को डाल लिया। आप लोग चाहें तो इसकी जगह कोकोनट ऑयल और थोड़ा सा कैस्टर ऑयल और सरसों का तेल भी मिक्स कर सकते हैं तीनों मिलाकर। ठीक है, मैंने ये किया। अब ये बाल देखें बच्ची के, और ये इसका टेक्स्चर है। ठीक, इसके ऊपर मैंने नहाने से पहले ये इस तरीके से बालों का एक जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरह से एक सेक्शन सा बनाने की कोशिश की। ब्रश लिया, ब्रश के ऊपर इसको पहले मैंने अच्छी तरह मिला लिया, मायोनीज़ तेल और कंडीशनर। ठीक है, कंडीशनर भी इसके अंदर था जो कि शायद मिक्स करते हुए मैं दिखा नहीं सकी हूँ। कंडीशनर आपने मिक्स करके इसके अंदर, अब आपने इसको मिक्स करके इस तरह बालों पे लगाना शुरू किया है। बेसिक चीज़ क्या है कि मायोनीज़ है और ऑयल है। ऑयल अगर आप हर्बल जो मैं बनाती हूँ वो यूज़ करें तो बेहतरीन है, अगर वो नहीं ले सकते हैं तो कैस्टर ऑयल, सरसों का तेल और बादाम का ऑयल मिल जाए तो ये ज़रूर, और विटामिन ई के कैप्सूल वो मिला लीजिएगा। अच्छा, ये मैंने अब इस तरह लगा के ना इसको ये बालों में अच्छी तरह मिक्स करना है, इतना इसको अंदर ऐसे मसाज करना है कि एक एक बाल के अंदर रच बस जाए। हमने इसको कलर की तरह लगा के छोड़ नहीं देना है। हमने इसको ब्रश से लगाया ज़रूर है लेकिन इसको बालों की एक एक उसके अंदर तह में इस तरह लगाया कि ये देखें, मतलब बाल लथड़ गए पूरे इसके अंदर, यही वर्ड यूज़ करूँगी मैं। इस तरह मैंने लगाकर ये, और नीचे बहुत ज़्यादा इसको लगाया क्योंकि बाल नीचे से बहुत ड्राई और रफ थे इस बच्ची के, तो ये लगाने के बाद ये इस तरह मैंने मसाज दिया। ये आपने हर बाल को इस तरह ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे इतना करना है कि मायोनीज़ अंदर पेनिट्रेट कर जाए। उसके बाद ये देखें, मैंने एक शॉपर, मेरे पास हेयर कैप नहीं था, नो प्रॉब्लम, मैंने एक शॉपर लगा लिया। शॉपर लगाने के बाद मैंने इसको आधा घंटा रखा, आधे घंटे के बाद बालों को धो लिया। धोने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि कितनी शाइन आई है इसके अंदर, और बालों की सारी रफनेस ख़त्म हो जाएगी, शाइनिंग ही शाइनिंग होगी। आपको एक घर बैठे केराटिन ट्रीटमेंट की तरीके का हल मिल गया जो कि बहुत रफ ड्राई हेयर के लिए है।